तो हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आप लोगों ने प्रीव्यू देखा, उस प्रीव्यू का पूरा प्रोजेक्ट फाइल लेकर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है लाइटमोशन एप्लीकेशन में, और आपको सिर्फ अपना फ़ोटो लगाना है और आपका स्टेटस बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद क्या करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, आपको एक प्रोजेक्ट फाइल के नाम से एक लिंक मिलेगा, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। गाइस उसे डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ZRG पर। तो गाइस उस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, वो भी आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गाइस जो जो हमारे चैनल पर नया है आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर देना है। और गाइस क्या करना है, आपको लाइक करना है और गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। गाइस अब आपको क्या करना है, हमारा फटाफट से फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना है। उसके बाद गाइस आप लोग देख लेना, बहुत ही बवाल बवाल प्रोजेक्ट फाइल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ZRCber। ये आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आपको इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इस पर आपको जब एक बार टच करिएगा तो ये एक्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट हियर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड मांगेगा छोटा सा। तो गाइस इसे फिलअप करने के लिए आपको वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना है, पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि पासवर्ड ये कहीं भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर मैं पासवर्ड शो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। गाइस जब आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको इस न्यू प्रोजेक्ट फाइल एलाइट मोशन के नाम से एक फोल्डर ओपन होगा। तो इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको तीन फोल्डर देखने को मिलेगा, एक प्रोजेक्ट फाइल के नाम से देखने को मिलेगा और एक खेसारी सैया के रोटी XML फाइल के नाम से देखने को मिलेगा, और एक जो है खेसारी सैया के रोटी ये MP3 सॉन्ग है जो कि इसको लगाना है उसमें, ठीक है। और गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको अपने मोबाइल के ओरिजिनल फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है, और आप इसको फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको अपने डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है। गाइस उसके बाद क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट फाइल लाइट मोशन पे ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, खेसारी जो XML फाइल दिख रहा है इसको आपको शेयर करना है अपने लाइट मोशन के प्रोजेक्ट फाइल में, ठीक है। यहाँ से आप जब इसको जब आपको शेयर कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप बन के आएगा इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट नाम से। तो ये आपका शेयर हो चुका है एलाइट मोशन में। तो गाइस ये शेयर होने के बाद क्या होगा, आपको इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो खेसारी सैया के रोटी के नाम से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। जब ये ओपन होगा तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मेरा सारा का सारा प्रोजेक्ट आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ फ़ोटो दिखेगा, ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरह से। मैं अपनी दोनों उंगली से इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको जहाँ जहाँ खेसारी जी का फ़ोटो शो होगा, ठीक है, और जो जो फ़ोटो शो होगा वहाँ पर आपको सिर्फ अपना फ़ोटो लगा लेना है। तो आपको क्या करना है, इस फोटो पे आपको एक बार क्लिक करना है, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, उसके बाद जो स्टार वाला बटन दिख रहा है स्टार वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कैसे आपका सारा गैलरी का फ़ोटो शो हो जाएगा। उसके बाद कैसे क्या करना है, आपको अपना कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैसे मैं ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वैसे सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा उस कुछ इस तरह से। फिर आपको बैक करना है, फिर से आपको एडिट शेप पे जाना है। आपको इसका जो साइज है यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है इसको सीधा करने के लिए आपको एडिट शेप पे जा करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो सब देख सकते हैं जो सीधा हो रहा है ये हमारा दोनों साइड से सीधा हो रहा है, तो आपका भी ऐसे ही होगा। तो गाइस मैं क्या करता हूँ कि मैं फटाफट से सारी फ़ोटोज़ को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है। आप ऊपर टाइम देख लो, 11:28 हो रहा है, इसको ऐड करने में कितना टाइम लगता है वो आप देख लेना, ठीक है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे कर रहा हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं फोटो एडिट करते करते मुझे कब नींद लग गया और पता ही नहीं चला। आप देख सकते हैं सुबह का 6:37 हो रहा है गाइस, हो सकता है वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो जाए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, सारी फोटोज़ पे ऐड होने के बाद उसके बाद गाइस आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, आपको म्यूज़िक ऐड करना है तो इस ऑडियो पे क्लिक करना है, वॉल पे क्लिक करना है, आपके डाउनलोड फोल्डर में आपका म्यूज़िक आ जाएगा। उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके इस म्यूज़िक को ऐड कर लेना है। इस म्यूज़िक को ऐड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइस, अगर आपको अपना थंबनेल लगाना है, सॉरी आपका अपना लोगो लगाना है, तो प्लस के आइकन पे इमेज पे जाकर के वॉल पे जाकर के आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पे सुपर सेटिंग वाले बगल में जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 1080 रख देना है, ठीक है, और फ्रेम रेट यहाँ पे आपको 30 FPS कर देना है, नहीं तो आपका जो एक्सपोर्टिंग होने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद गाइस यहाँ से आपको को एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पासवर्ड मिल गया होगा। तो गाइस अब मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब